सबसे पहले क्लास की बात करूंगा, जो कि आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। पार्ट टू एंड पार्ट वन वीडियो में डिवाइडेड है, जो कि पार्ट टू का भाग डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। इम्पोर्टेंट नोट्स है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर मेहनत करना चाहते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि स्टूडेंट तैयारी कर सके। अगर आपको वीडियो में जो भी मेहनत दिखाई देता होगा हमारा, अगर आपको पढ़ाने में अगर अच्छा लगता होगा, तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी इच्छा, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तैयारी अच्छे से करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए नमस्कार, मैं रुपेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास होगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इम्पोर्टेंट नोट्स की तैयारी कराऊंगा आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से संबंधित, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका कार्य कब होना है, इसका शुरुआत कैसे करना है, ये क्लास रहेगा। ये टॉपिक है आज का ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित क्लासेस है, पार्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई है, आजीविका का पूरा नाम क्या है, NRLM मुख्य विशेषताएं क्या होगी, इसका कार्य कैसे होगा, इसकी कार्यविधि क्या होगी, इसके बाद पार्ट टू वीडियो में देखेंगे कि स्व सहायता समूह योजना से, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 4 या 3 नंबर के अक्सर इस टॉपिक में पूछ लिया जाता है, इसका कार्य क्या होगा, लाभ क्या होगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई है, है ना। चलिए, हाँ, क्लास ज्वाइन कीजिएगा, स्टार्ट हो चुका है, क्लास ज्वाइन कीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई है, तो चलिए देखते हैं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2013 को यानी कि RBI के सर्कुलर नंबर RBI, देखिए यहाँ पर 2012-13 दिया गया है ना, दिनांक 27 जून 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGAY पुनर्गठन के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत NRLM की शुरुआत हुई है। कब शुरुआत हुई है, NRLM की शुरुआत की गई है 1 अप्रैल 2013 को, इसकी शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं कि आजीविका का पूरा नाम क्या है, तो आजीविका का पूरा नाम क्या है ये देखने वाले हैं, आजीविका का पूरा नाम क्या है, है ना, ये टॉपिक है आज का। तो चलिए देखते हैं आजीविका का पूरा नाम क्या है और किससे संबंधित है। कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न कल अवधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है, उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार या करियर कहते हैं। यानी कि आजीविका प्रायः ऐसे कार्य को कहते हैं, जिससे जीविकोपार्जन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रबंधक है, वकील है, श्रमिक है, कलाकार है, आदि कुछ बहुत सारे हैं जो जीविकाएं हैं, इसको आजीविका कहते हैं। मतलब ऐसे कार्य जो जीविका हमको उपार्जन हो सके, जीविका मतलब शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना, ये सभी आजीविका के साधन हैं। इसके बाद देखेंगे NRLM की सुविधाएं या मुख्य विशेषताएं, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य विशेषताएं देखेंगे।
एनएलआरएम एक वहन कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है, अन्य गहन कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है, और इसे गरीबों को कार्यात्मक प्रभावी समुदाय के स्वामित्व वाली संस्थाओं में जुटाने एवं उनके वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और साथ ही उनकी आजीविका को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय और भौतिक संसाधनों के गहन के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पूरा तैयारी करने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NLRM का पूरा नाम होता है नेशनल लाइवलीहुड राष्ट्रीय मिशन, है ना? हाँ, कमेंट में बताइएगा इसका पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए कमेंट में बताइएगा। हाँ गुड। चलिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन इसे समाप्त करते हुए दिनांक 1/4/2013 यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण देश में लागू किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण देश में कब लागू किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू कब किया गया है। तो आप बताएंगे कि 1 अप्रैल 2013 को संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा, ये भी बताऊंगा। ये थ्योरी क्लास है, ये थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आजीविका से, है ना? आजीविका से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, 2012 का 17 का दोनों का एनालिसिस करके ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, और थ्योरी क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर कराया जाएगा, है ना? ये पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू वीडियो स्व सहायता समूह से होगा। स्व सहायता समूह योजना से इसका लाभ क्या होगा, कार्य क्या होगा, ये सब देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, है ना? हाँ तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए कि कमेंट कीजिए आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में कब लागू किया गया है। हाँ 1 अप्रैल 2013 को। हाँ चलिए, अच्छा गुड। हाँ चलिए, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई आपको पता हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य देखेंगे, विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों को गरीबी दूर करना है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना हाँ बिल्कुल 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण BPL युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य की पूर्ति सर्वभावी सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण,
समूहों के संघ निर्माण की प्रशिक्षण एवं कौशल, हाँ इसके लिए आवश्यक है। अब देखेंगे इसके बाद, हाँ बिल्कुल, जो अविभाजित चार जिले हैं रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर एवं सरगुजा, जो कि वर्तमान में 9 जिले रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर में किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 16 हाँ प्रदेश के 16 विकासखंडों यथा नहीं है वो तथा है ना, 16 विकासखंडों तथा बस्तर, माकड़ी, बंगावंड, बस्तानार, सिमगा, तिल्दा, आरंग, छुरा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, मानपुर, ओड़गी, लखनपुर, बलरामपुर, वाड्रपनगर एवं रामचंद्रपुर को सघन विकास खंड के रूप में चिन्हांकित किया गया है। हाँ चलिए इसके बाद देखेंगे, हाँ बिल्कुल, इसके बाद देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की गई है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कैसे की गई है। हाँ इसका फुल फॉर्म बताइएगा, NRLM का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है, हाँ बताइएगा क्या होता है, NRLM का शुरुआत कब हुई है, इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट कीजिएगा, हाँ कमेंट कीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ चलिए आप कमेंट में बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत, वर्तमान में यह योजना लगभग सभी राज्यों में क्रियान्वित की गई है, लेकिन सभी राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। शुरुआत की बात करें तो चलिए हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGGY है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि 1999 में जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY के अंतर्गत एक नाम से चलाई गई योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी इस योजना, ये इम्पोर्टेंट है, कब चलाई गई थी आप याद रखना, कब चलाई गई थी यह योजना, कब चलाई गई थी 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बनेगा, देखिए यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछेगा कि देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना चलाई गई थी, इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका पुनर्गठन आप बताइएगा कि 2011 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का गठन कब किया गया था, तो 2011 में किया गया था ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, है ना, चलिए बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे उसका समय, उसका उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। उस समय इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवार को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना था। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, देखिए एक बार फिर से आपको करा देता हूँ इसका उद्देश्य। हाँ उद्देश्य आप ध्यान से देखिएगा कि उस समय इस मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि BPL परिवार को गरीबी रोजगार से बाहर लाना है, BPL परिवार को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना था। इसके समय स्वरूप बदलाव किए जाते हैं जो कि वर्तमान में इसका नया नाम। हाँ अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत तो हम पढ़ लिए, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का नया नाम क्या है ये आपने बता दिया, स्वर्ण ग्राम जयंती स्व समूह योजना। इसके बाद अब वर्तमान में यानी कि अभी इसका नया नाम क्या है,
इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAYNRLM, है ना? हाँ बिल्कुल, इसका नाम रखा गया है, वर्तमान नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि DAYNRLM रखा गया है। हाँ क्लास आगे बढ़ते हैं। NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे DAYNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहा जाता है। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना DAYNRLM भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसके बाद NRLM द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा MORD है ना, MORD द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे वे सक्षम बन सके। ठीक है, हाँ ये पार्ट टू वीडियो है, ये आपको कल शाम 5 बजे कराया जाएगा। बिल्कुल, ये कल शाम 5 बजे कराया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। व्यापम की तैयारी कराया जाता है हमारे YouTube चैनल पर, व्यापम की तैयारी किया जाता है। जैसा हो गया आपका, देखिए पटवारी का क्लास तो निकल चुका है, इसका एग्ज़ाम हो चुका है, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कराएंगे आपको, आने वाला है ADO की क्लास चल रहा है। पार्ट वन वीडियो है आज का, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से है, और पार्ट टू वीडियो कल होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, है ना। शाम 5 बजे की क्लास होगी वो, ये आज शाम 7 बजे की बैच है, न्यू बैच है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से शुरुआत की गई है। ये थ्योरी क्लासेस था, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इसका PDF आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है। चलिए, है ना, ये हम कल पढ़ेंगे, ये वाला स्व सहायता समूह योजना से हम कल पढ़ेंगे, और इसके लाभ क्या लाभ पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे, ये सब पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, हाँ बिल्कुल ये सब पढ़ेंगे। चलिए, हाँ बाय बाय।